हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, और आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट में या सेपरेशन में क्या है। ठीक है, अब आपकी जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, और जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, ज़बरदस्ती कोई भी मैं बात बताऊँ उसमें उसको अपने आप में फिट मत कीजिएगा, अपनी परिस्थितियों में फिट मत कीजिएगा जब तक वो रेजोनेट ना करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग में। जाने से पहले छोटी सी जानकारी कि अगर आपका भी दिल किसी के लिए धक धक करता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपके दिल का जवाब मिलेगा आपको, आपकी दवाई दिल की मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही चेक कीजिएगा और कहीं नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे एक नंबर मिलेगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस मेरे हैं। ठीक है, फुल रीडिंग आपको दूंगी, थोड़ा सा टाइम लेती हूँ मैं, 3-4 दिन का, तो वो तो लगेगा ही। ठीक है, आप क्यू में होते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम मुझे देना पड़ेगा, और अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए आज की रीडिंग करते हैं, और मैं टॉपिक वापस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप चाहे सेपरेशन में हैं चाहे नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स अभी इन दिनों आपके लिए क्या है। ऑलराइट, तो आपको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी रीडिंग मैं नहीं चाहती कि आपसे मिस हो। ठीक है, मैं बस बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। ठीक है, वो भी मैं कुछ दिनों में बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं अवेयर रहती हूँ आपके मैसेज से, चाहे मैं 1-2 दिन बाद पढ़ती हूँ, चाहे या सेम डे नहीं पढ़ पाऊँ तो थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन मैं आपके मैसेजेस ज़रूर पढ़ती हूँ। ठीक है, तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा, लाइक देते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, मंथली रीडिंग मेरी ऑलमोस्ट शायद एक रह गई है पाइसिस की। ठीक है, तो मैं आज अपलोड करूँगी और बाकी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे शॉर्ट्स, स्टोरीज़ और इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और रील्स देखते हैं तो फॉलो भी कीजिएगा यार, मैं जब भी तक बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, लिटरली सब काम छोड़ के आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो आपका इतना तो बनता है गाइस, इतना तो बनता है, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं, और अभी तक जिन्होंने भी किया है फॉलो मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है आपके लिए। आई होप आपने अपने पार्टनर को याद किया होगा और उससे पहले अपने इष्टदेव को याद किया होगा। यस, देखिए आज की एनर्जी में अगर मैं सबसे पहले मुझे लिब्रा साइन दिखाई दिया, ठीक है, जैसे कोई तराजू होता है उस तरह की आकृति है, तो लिब्रा साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सजिटेरियस यहाँ पे है, लिब्रा यानी तुला, सजिटेरियस यानी धनु राशि। ठीक है, वर्गोस मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली लग रहे हैं यहाँ पे, और मुझे ये बातें लग रही है। ठीक है, इसके अलावा कैंसर भी मुझे बहुत से लोगों के लिए, और टॉरस और एक्वेरियस भी लग रहे हैं। ठीक है, ये स्टार साइन मैंने बता दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए सजिटेरियस और लिब्रा है। ठीक है, और वर्गो, तीन साइन मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहे हैं। यस, तो इनके करंट डीप फीलिंग्स इन दिनों क्या है। सबसे पहले एनर्जीज को बताती हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपने इनको बहुत कुछ कहा है, आप में लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, आप में नो कॉन्टैक्ट हो गया बहुत से लोगों का। देखिए, आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो यही टॉपिक है कि आप चाहे सेपरेशन है चाहे नो कॉन्टैक्ट है, उसमें इनकी इन दिनों फीलिंग्स क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है आप में भी वो ईगो है, थोड़ा आपके पार्टनर भी में ईगो लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये खुद के लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, कोई दिल खोल के कुछ बातें कहना चाहता है। ठीक है, ये हो सकता है कि आने वाले कोई तूफान है, जैसे कि किसी घर वालों की नामर्जी, ठीक है, या कोई और ऑब्स्टिकल के बारे में बहुत सोचते हैं, इनको जैसे कोई डर लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो तूफान है जिससे डर लग रहे हैं उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। जब आप कहते हैं ना कि वो एक कहावत, जब औखली में सिर दे दिया तो चोटों से क्या घबराना, तो मुझे यहाँ से ऐसे ही लग रही है गाइस आपके पार्टनर की एनर्जी की, अब इन्होंने सोच लिया है, आपने भी बहुत कुछ किया है, इन्होंने भी सुन लिया, अब दोनों में मनमुटाव हो गए हैं, तो इनको ये लगने लगा है, एनर्जी ये है कि अब औखली में सिर दे दिया है तो चोटों से क्या घबराना, चोट तो खानी पड़ेगी यार, जब प्यार किया है तो
कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। तो इन बातों से घबराते नहीं है, और डेफिनेटली इनको लग रहा है कि अब तो मुझे सब कुछ फेस करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वो मुसीबतें सबके लिए अलग होगी, ठीक है। और ये एक अवेकनिंग से यानी कि बदलाव से गुजर रहे हैं। इनको लगता है कि आपके अलावा और इनके दिल को कोई संभाल ही नहीं सकता, इनको कोई संभाल नहीं सकता, मुझे संभालने वाला है तो सिर्फ एक ही है दुनिया में। और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं अपने दिल से कि यस मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ। गाइस आप मेरी बातों पे नहीं, मेरी फीलिंग्स को समझिए। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है मैं कैच कर पा रही हूँ, ठीक है। मैं एनर्जीज बता रही हूँ यानी कि उनके दिल में क्या चलता हूँ। मैं तेरा हूँ, तू मेरी है। गाइस आप देखिए आगे मैं बताने जा रही हूँ कि ये जो इंसान है अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत दुखी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज हैं, उनके कारण बहुत दुखी हैं। और ये इन सब स्टक एनर्जी से बाहर आ जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि सब जंजीरें, सब जंजाल तोड़ ताड़ के मैं भाग जाऊँ यहाँ से, या फिर आपके पास आ जाऊँ, ठीक है। इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बहुत कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि इनको कि आपसे जब से दूर हुए हैं या सेपरेशन हुआ है या फिर नो कॉन्टैक्ट है, तो इनको लगने लगा है कि जीवन बिल्कुल बेकार है, मेरी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल ही घटिया है और डूबती जा रही है, नैया जिसकी डूबती जा रही है, ऐसा इनको फील होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत एनर्जेटिक हैं और ये सोचते हैं कि चाहे पर्सनल लाइफ जैसी भी है लेकिन उसको ठीक करने का टाइम है, ठीक है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हालत सब अच्छे हैं। तो मैं इस टाइप का एनर्जी से बाहर आके मेरे पार्टनर को मैं सच्चाई बताने वाला हूँ। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मैं कैच कर पा रही हूँ। और डेफिनेटली देखिए ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ठीक है। और ये डेफिनेटली कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मुझे बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। आप दूर दूर रहते हैं और बहुत कुछ ऐसा है कि आप मतलब फ़ौरन से नहीं मिल पाते और तुरंत आपने डिसीजन नहीं हो पाते, बहुत चीज़ें आपके डिले रहती है। और डिले मुझे लगता है कि इनके प्लैनेट्स की पोजिशन में भी डिले लिखा हुआ है, ठीक है। डिलेज इनकी राशि में है, डिलेज इनके प्लैनेट्स की पोजिशन में दिखाई दे रहा है। तो कोई भी बात बहुत जल्दी से या फटाफट नहीं होती, ये बहुत स्लो एनर्जी में चलते हैं और आप इस बात से बहुत परेशान हैं, ठीक है। क्योंकि आपके साइड तो लक है, लक आपका काम करता है, इसलिए ही जो आपने कहा है कि उन जो भी कुछ कहा है अपने पार्टनर को उस पर असर हो इनका हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर का असर आप देख पाएंगे कुछ ही दिनों में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ न कुछ करके आपके रिलेशनशिप में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक मैजिक मैजिक कर देना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, तो ये कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए करंट फीलिंग्स, इनकी डीप टू फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। शादी की प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि आप तो फैमिली वाले नहीं मान रहे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चाहते हैं उस तरह से बातें नहीं चल रही, ठीक है। मुझे लगता है कि फैमिली ड्रामा फेस कर रहे हैं आप दोनों, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है, लेकिन बहुत से लोगों के तो मुझे सिर्फ फैमिली ड्रामा ही लग रहा है, ठीक है। ये ऐसा है कि ये शादी का जो आपने प्लान बनाए हैं उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत सुस्ती से चल रहे हैं, बहुत ही स्लो एनर्जी में चल रहे हैं। और आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आती क्योंकि आपको भी जल्दी है, इनको भी जल्दी है। आपकी एज शायद ऐसी है कि हाँ बिल्कुल आपकी एज ऐसी है कि यस आपको बर्डनाइज हो रहा है कि अब शादी हो ही जानी चाहिए, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप का कुछ तो मतलब कंक्लूजन निकलना चाहिए कि यस हमारा रिलेशनशिप इतने साल का हो गया और अब इसमें कुछ डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और वो होना ही चाहिए डिसीजन। ऐसी एनर्जी मुझे आप दोनों की लग रही है। और डेफिनेटली चाहे देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है चाहे फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, लेकिन एनर्जीज जितना आपसे मैच करे, जैसे कि मैंने बोला पहले ही कि आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर दिल ही दिल में आपको बहुत कुछ पसंद करते हैं, बहुत कुछ प्यार करते हैं, लेकिन जगलिंग इनके माइंड में अभी भी है। दिल में तो चाहते हैं आपको सब कुछ आपको देना, ठीक है, कमिटमेंट देना, शादी करना, लेकिन कहीं ना कहीं इनके माइंड में जगलिंग है। ये जगलिंग अनबैलेंस चीज़ों को बता रही है। इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है, इवन करियर भी बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा। इनके पार्टनर मतलब इनकी फैमिली के मेंबर्स भी इस बात के लिए रेडी नहीं होंगे, इनको ये फील होता है। तो ये डेफिनेटली इन बातों से परेशान होकर कुछ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि अपनी स्थिति को स्ट्रांग करना चाहते हैं। देखिए जब मैं पहले भी बहुत सी रीडिंग में बोल चुकी हूँ कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल होता है तो खुद के डिसीजन लेने के लिए मतलब उसमें हिम्मत और ताकत होती है। मुझे ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं लग रही क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है। इनके जो सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि या तो फैमिली बिजनेस करते हैं या फिर इंडिपेंडेंट अभी खुद का कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे भी इनको बहुत कुछ ऐसा लगता है कि मैं खुद के डिसीजन सुनाऊंगा तो ये बहुत गलत होगा, ठीक है।
तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्टे करवा रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और क्योंकि इनके डीप ट्रू फीलिंग्स में ये कोई रास्ता खोज रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दिल में प्यार तो आपके लिए है, लेकिन उसको प्यार पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए ये रास्ता ये खोज रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपने फ्रेंड जोन में भी पूछ रहे हैं, अपने पार्टनर से, मतलब कोई भी इनका नियरेस्ट है तो उससे भी पूछ रहे हैं, और ये डेफिनेटली कैजुअल कनेक्शन नहीं रखना चाहते आपसे और आपसे आगे की सोच है। ये बहुत ज़्यादा बोरिंग फेस है आपका, क्योंकि एक तो आप सेपरेट हो गए हो, आप बहुत कम बात करते हो इनसे, ठीक है, बात भी करते हो तो हाँ ना में करते हो, क्योंकि आपकी नाराजगी समझते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कंक्लूजन चाहिए, डिसीजन चाहिए और इनको डिसीजन लेने में अभी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम जैसे कि मैंने कहा फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मनाना बहुत मुश्किल है, आप में कास्ट इश्यूज लग रहे हैं, आप में फैमिली ड्रामा चल रहा है, आपके घर वाले भी इस बात को, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कोई ना कोई फैमिली वाले प्रॉब्लम बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इनकी करंट और डीप फीलिंग्स हैं। अब ये क्या करने जाते हैं चाहते हैं, ठीक है, अब मैं वो बताने जा रही हूँ कि ये क्या करना चाहते हैं कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में क्या करने जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे एनर्जीज ये लगी है कि अपनी स्टक एनर्जीज, यानी कि जो भी कोई रोकता है इनको, ठीक है, आपके पास आने में, डिसीजन लेने में, उसको कट ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। कुछ पैटर्न्स आपके चलते जा रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि अब स्थिति सुधरेगी, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेती। तो ये कुछ चीज़ों को गेट आउट, या फिर जैसे कहते हैं ना कि कुछ स्टक एनर्जीज को, कुछ पैटर्न्स को त्यागने वाले हैं, ठीक है। ये आपसे यूनिफिकेशन, यानी कि आपसे एक रिश्ता ऐसा रखना चाहते हैं जब आपकी यूनियन होगी, ठीक है, आपसे यूनियन का इंतजार कर रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जैसे गो विद द फ्लो करने वाले हैं, कुछ मतलब जैसे कि जिस तरह से चीज़ें बहेगी, यानी कि जैसे पानी का बहाव, पानी रास्ता अपने आप निकाल लेता है, आप सभी जानते हैं। तो उसी तरह की एनर्जी मुझे इनकी लग रही है कि ये अपना रास्ता खुद बना लेंगे। आप इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये डिसीजन इनके हाथ में है, और डेफिनेटली आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ये प्लानिंग खुद ही करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में फर्टिलिटी आने वाली है, ठीक है। इनके इरादे क्या हैं, तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में फर्टिलिटी, ठीक है, कुछ ना कुछ बहुत ग्रो होगा आपके रिलेशनशिप में, ग्रोथ आएगी और एक नया स्टार्ट भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, न्यू स्टार्ट आएगा और एक प्योरिटी के साथ, मतलब जो ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति बना लिए हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को बहुत क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ खास बातें बताएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो कुछ फैमिली मेम्बर्स भी आपका साथ देंगे, कुछ तो नहीं मानेंगे लेकिन कुछ लोग तो आपका साथ देने वाले हैं, इनिशिएट मैं इनकी तरफ से देख पा रही हूँ। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडवाइस यही दूंगी मैं, सिर्फ और सिर्फ जो बातें चल रही है उसको बात में, जैसी एनर्जी में आप हैं उसी में रहिए, ठीक है। लक आपके साइड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहेंगे वो होगा, लेकिन थोड़ा स्लो एनर्जी में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हैंड टू हैंड हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्लो एनर्जी में होगा। तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव सोची इस रिलेशनशिप के लिए, और बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि कोई मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती, वर्क तभी करती है मैनिफेस्टेशन जब आप उसके प्रति लॉयल हो, ठीक है, उस पर भरोसा करोगे तभी तो कोई चीज़ वर्क करेगी। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत कुछ आपके लिए करने वाले हैं और एक क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये इनिशिएट लेंगे हर चीज़ के लिए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका ये खुद सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। और क्या दिख रहा है मुझे, और दिखे आज आपके लिए येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेमन कलर, मतलब येलोइश ग्रीन जो होता है वो, ठीक है, या तो आपने कोई येलो कलर का फ्लावर ले रखा है, फ्लावर की आकृति बन रही है, ठीक है। रोज़ येलो भी होता है, ठीक है, येलो क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी को, येलो जो कलर होता है वो प्रॉस्पेरिटी का होता है, सन का कलर होता है। तो येलो और ऑरेंज मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं, और ये सन की ऊर्जा, यानी कि आपका रिबर्थ आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, और जैसे कहते हैं ना फर्टिलिटी आएगी, यानी कि ग्रोथ आपके रिलेशनशिप में आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि इनका जो सेकंड चक्र होता है, यानी कि बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं आपकी तरह, ठीक है, बहुत अट्रैक्शन में आएंगे और इनको कई चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और ये जो अट्रैक्शन है आपके, आपके साथ एक नई शुरुआत करवाएगा, ये खुद ब खुद कुछ ऐसे ऐसे काम करेंगे जो कि आपको सरप्राइज करेंगे, ठीक है, आपको पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और ये दूरियां कम करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि आप दोनों के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये बहुत सी दूरियों को कम करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। ये दूरियां, मतलब आप में बहुत बहुत अट्रैक्शन भी है, तो आपसे मिलना, आपसे कोई डेट पे जाना भी इनकी इच्छा है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया। और मुझे एक सॉन्ग क्लिक हुआ है, ये दूरियां फना हो सभी।
ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, बहुत प्यारा सॉन्ग है, जब भी आप सुनेंगे बहुत बहुत फ्रेश फील करेंगे, ठीक है, करेंगे गाइस। कई बार मेरी टंग भी स्लिप हो जाती है, डोंट माइंड। तो सबसे पहले, सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपके कनेक्शन में एक फर्टिलिटी आने वाली है। बार बार मुझे येलो कलर प्रोमिनेंट लग रहा है आपके लिए, और जैसे सन की ऊर्जा आपके आसपास है, यानी कि रिबर्थ कनेक्शन का हो सकता है। आपका सेपरेशन देखिए बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, सालों हो गए हैं तो ये बात दूसरी है, ठीक है, लेकिन अगर रिसेंट कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या सेपरेशन है, तो उसका आपको, वेट अ सेकेंड, उसका आपको तोड़ मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज मुझे ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका आपको समाधान मिल जाएगा, और एक नई ऊर्जा में आप दोनों चलेंगे, ठीक है, एक फर्टिलिटी आएगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ जिस चीज़ें इनको स्टक करती हैं, वो उन स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे। कुछ चीज़ों को जैसे हम कहते हैं ना कि लेट गो करेंगे, कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ठीक है, ठीक है, कुछ बातें, कुछ पैटर्न्स अभी भी चलेंगे इनके, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी आएंगी। बहुत ज़्यादा ईजी आपका रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आप बहुत बेहतरी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूंगी, लेकिन जाते जाते कुछ चीज़ें मैं आपके रिलेशनशिप में बताना चाहती हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या मिल सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं देखने वाली हूँ, मेरे कार्ड्स निकालती हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके गाइज, ये कार्ड्स जो हैं मेरे हैंडमेड हैं, और इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। तो मैं कुछ ना कुछ निकालूंगी आपके लिए वन बाय वन, कहाँ से निकालूँ, आप देख रहे हैं क्या मिल सकता है आपको भविष्य में इस रिलेशनशिप से। बिग गिफ्ट देखिए, आपके लिए कोई बड़ा गिफ्ट आ सकता है आपके लिए, ठीक है, मैं यूँ रखूँगी। चलिए और देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पर, चैरिटी। आपको कुछ दान वान करना पड़ेगा, यानी कि आप अगर चैरिटी करेंगे तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन में बहुत कुछ आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। डिले, थोड़ा डिले मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपकी चीज़ें होंगी, यस डिले हो सकता है, और क्या आ सकता है, नाइस हैंडसम बॉय आपको मिल सकता है, वाह आपके पार्टनर की एनर्जी आई है, ठीक है। और हमारे पास है रेस्पेक्ट, आपको इस रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। एक और, गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ अगर बिगड़ी हुई है तो वो अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे सामने है ट्रांसफ़र, तो कोई ट्रांसफ़र, जैसे कि मैंने कहा कि आप में दूरियाँ हैं तो वो दूरियाँ लौट के वापस कम दूरियां बन जाएंगी, यानी कि आपका रिलेशनशिप क्लोज होगा, ठीक है। ब्रेक थ्रो, तो कुछ ज़बरदस्त होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए एक लैडर सा बना हुआ है, जो आकृति बनी है वो लैडर्स के तरह है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका चाहे स्लो प्रोसेसिंग होगा इस रिलेशनशिप में, काफ़ी कुछ आपको दिखने वाला है लास्ट में, मतलब आपकी ग्रोथ जो है धीरे धीरे होगी। और लास्ट में देखूंगी ट्रैवलिंग, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही बात है आपके रिलेशनशिप में, और ये एनर्जी आज की है। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली आपको लाइक करना है, शेयर करना है, किसी से भी शेयर कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मेरी टंग आज स्लिप हो रही है, डेफिनेटली आपके पार्टनर की भी टंग स्लिप होगी, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ बातें वो ना ना हाँ हाँ कहते कहते ना हाँ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मैं आपके पार्टनर की कैच कर पा रही हूँ, यानी कि जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, ठीक है, लेकिन मैं ज़रूर आपके लिए उनके जो संदेश है ज़रूर लाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, वेट ज़रूर कीजिएगा मेरा। थैंक यू सो मच, बाय।